हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करने के बाद इन लोगों को फांसी दी जाए, क्योंकि आज माहौल हमारा भाईचारे का माहौल है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर हमारे हर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, शांति से रहें, अमन से रहें। और मैं यही सब लोगों को पैगाम देना चाहता हूं अपने औरंगाबाद शहर वासियों को कि हमें कोई भी घटना ऐसी नहीं करनी चाहिए जो हमारा अमन और चैन हमारे शहर का ख़त्म होना चाहिए। महाराज का पूरा नाम क्या है? महाराज का नाम गिरीश महाराज बोलते हैं उसको, रामगिरी महाराज। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? हमारा स्टेप ये रहेगा कि शांतिपूर्ण हम अपनी जो है सरकार तक बात पहुंचाएंगे और बैठक करेंगे, जो भी हमारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके हिसाब से चलेंगे हम लोग। मेरा नाम नदीम अख्तर है, उर्फ गुड्डू भाई बोलते हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी की का महाराष्ट्र का प्रभारी भी रहा हूँ, कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी प्रदेश सदस्य हूँ। और ऑप्टिकल एसोसिएशन के ये जो लोग मेरे साथी यहाँ पर खड़े हैं, अमन चैन से जो यहाँ निवेदन देने आए थे पीआई साहब को, तो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। पीआई साहब से आपकी मुलाकात हुई क्या? अभी 2 मिनट पहले मेरी मुलाकात हुई थी, इतने में ये जो पब्लिक थी, दूसरी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हो गई, जो उन्होंने यहाँ पर हंगामा किया आकर, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अमन चैन रहना चाहिए। आश्वासन ये दिया कि आप अपना निवेदन दे दीजिएगा, आगे आपकी बात पहुंचाई जाएगी और शांतिपूर्ण हम लोग यहां से जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। निवेदनात काय मागणी होते? सर शहरातील सिटी चौक नाही तर गांधी चौकातील माफ बनला तर प्रत्येक पोलीस स्टेशन जाते, काय खबरदारी घेतली जाते? आपला सर्व बंदोबस्त आजच आहे, सर्व पोलीस आहे, आणि सर्वांना निश्चितपणे या ठिकाणी आपण बघितले Thank you.
की कॉपी आपको खबर करिएगा वो नोटिस लेके आते हैं। मैं जावेद साहब और लुमाई कलम आपको पता ही है, उसके बाद हम सब यहाँ से अदब के दायरे में निकलेंगे। ऐसा कोई काम मत करिएगा जिसके वजह से हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार या हमारे शहर का माहौल खराब हो।